सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज मैं जा रहा हूँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को देखने, क्योंकि आज है शाहरुख खान के बर्थडे और ये स्पेशल स्ट्रीम हो रहा है पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिक्स पे। अब मेरे घर के आसपास कोई पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिक्स तो है नहीं, सो लेट्स गो टू कोलकाता। कोलकाता मेरी सिटी से 75 किलोमीटर दूर है एंड मैं इतना दूर जा रहा हूँ सिर्फ पीडीएलजे को देखने, क्योंकि यार मैं बचपन से इस मूवी को काफ़ी बार देख चुका हूँ एंड मैं इसको एक बार फील लेके देखना चाहता हूँ थिएटर में, बड़े सी स्क्रीन में, एकदम खतरा वाला पिक्चर क्वालिटी में, क्योंकि यार इसमें देखने में मज़ा ही कुछ और है। सो लेट्स गो टू कोलकाता। दमदम स्टेशन से उतरने के बाद हम लोग जा रहे थे छाता फॉल के ओर एंड बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि कोलकाता में अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, जगदाशी पूजा। ये बेसिकली दुर्गा पूजा के बाद एंड काली पूजा के बाद आता है। तो जाते जाते यार बहुत ज़्यादा भूख लग चुका था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। तो यार हम लोग नाश्ता करके लिखर ही रहे थे कि तभी यार मैंने एक नोटिफिकेशन देखा जहाँ पे पठान के टीजर आ चुके थे एंड मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था, क्योंकि मैं जा रहा हूँ डीडीएलजे देखने, जो कि वाईआरएफ का फिल्म है एंड पठान भी वाईआरएफ का फिल्म है। तो इसका मतलब यार टीजर को बड़ी स्क्रीन में इंक के में देखना। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपना कॉलेज जा रहा था लॉरियल वाले सैलून को देख के एंड फिर हम लोग बस रास्ते में मिल जाते हैं बजरंग बली। वैसे बजरंग बली सो रहे थे तो बाहर से प्रणाम किया और कंटिन्यू किया अपना सफ़र। फिर मैं पहुंच गया अपने कॉलेज एंड वहां पे जाके मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करना था, तो मैं जल्दी जल्दी से गया एंड अपना असाइनमेंट सबमिट करने के बाद अपने दोस्तों के इंतज़ार कर रहा था। सो यार सब लोग आ गया था कुछ ही देर में एंड फिर हम लोग निकल चुके थे नागर बाजार के लिए। उस कॉलेज से हमारा नियर अबाउट 500 मीटर दूर है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से नागर बाजार भी पहुँच गए एंड हम चार थे टोटल एंड हम लोग जा रहे थे डायमंड प्लाजा, जहाँ पे पीवीआर है एंड जहाँ पे शाहरुख खान की मूवी स्ट्रीम होने वाली थी। फिर इतना दूर आने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे डायमंड प्लाजा एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोगों ने शाहरुख खान की कोई भी पुरानी मूवी जैसे कि डीएलजे, दिल तो पागल या फिर देवदास जैसी मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं किया एंड ये हमारे लिए बहुत क्रेजी मोमेंट था। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट प्रॉब्लम ये था कि कैमरा अंदर अलाउ नहीं था, इसलिए यार मुझे फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ा। एंड इतना सा चलने के बाद ही हम लोगों को फिर से भूख लग गया था, तो हम लोग आ गए फूड कॉर्नर, बट यार पैसा तो था नहीं, तो हम लोगों ने लगाया क्लास 5 के बैक बेंचर वाली निंजा टेक्निक। फिर सब करते करते फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे पीवीआर डीडीएलजे देखने सिर्फ 112 रुपए में एंड मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे यार, पुराने मूवी को पहली बार देखेंगे पीवीआर में वो भी। फिर सबसे पहले हम लोग अंदर आके बैठ गए एंड उसके बाद पता चला कि आधा लोग आया ही नहीं एंड हम लोगों को 10,000 एड्स दिखाया। धीरे धीरे लोग आए, शाहरुख के फैन आए और महफिल में रंग आ गया। फिर शाहरुख ने चश्मा उतार के हमें देखा, उसके कुछ पल बाद काजोल ने पलट के शाहरुख को देखा एंड फिर शाहरुख ने अपना सबसे बढ़िया वाला तगड़ा वाला डायलॉग दिया और फिर ये वाला सीन आया जिसको देखने के बाद फैन बेहाल हो चुके थे।
मुझे इस पूरे मूवी में सबसे तगड़ा लगा ये ऑडियंस का इंटरेक्शन। जब ये वाला गाना हो रहा था, भोजपुरी वाला सीन आ रहा था, तो यार पूरा थिएटर जब जैसे मज़े से ताल मिला के क्लैप कर रहा था ना, वो सुन के एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था मुझे। फिर सिमरन चला गया शाहरुख के साथ अपनी ज़िंदगी जीने, और हम लोग वापस आ गए 1995 से 2022 में कुछ सुनहरे यादें लेके। फिर हमने बस पकड़ ली और फिर हम वापस घर चले गए। वैसे एक बात तो है यार, शाहरुख खान है बॉलीवुड का किंग, क्योंकि यार आजकल के दिन में जैसे नया नया फिल्म आ रहा है, पृथ्वीराज आ गया, राम सेतु आ गया, वो सब अच्छे से नहीं चल रहा। और इतना पुराना फिल्म शाहरुख खान का जो करोड़ों बार हज़ार लोगों ने देख लिया, वो भी यार देखने सब लोग थिएटर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दो तीन लोग आया था, टोटली हाउसफुल था। मे बी दैट्स एग्जैक्टली।